लक्ष्मी नगर के प्रताप नगर कॉलोनी में नगर निगम के द्वारा चैम्बर बनाकर छोड़ दिए गए लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। वहां के लोग अपने घरों का गंदा पानी घरों में गड्ढा करके भरते हैं और बर्तनों से बाहर फेंकते हैं। वैसे नगर निगम कहता है कि हमने विकास कार्य बहुत कर आए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। वार्ड नंबर 13 में पार्षद नेहा वर्मा के द्वारा विकास कार्य नहीं कराया गया। लोग पार्षद से बहुत दुखी हैं। लोगों का कहना है पार्षद कई बार आकर देखकर चली जाती है। इस गली में मथुरा चल की टीम में आकर देखा तो वहां गंदगी का अंबार बना हुआ था। लोगों को सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। इतनी गंदगी है क्योंकि वह अपने गटर का पानी भी अपने मकान के सामने गड्ढा भरकर उसमें एकत्रित करती हैं, जिससे उनके बच्चों को गंदगी के कारण बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। लोगों का कहना है कि हम 3-4 बार नगर निगम भी जा चुके हैं, लेकिन हमारी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार के द्वारा इन गरीब लोगों की कोई मदद नहीं हो पा रही है। नगर निगम गरीब लोगों की सुनवाई नहीं करता। सफाई कर्मचारी सफाई करने भी नहीं आते। प्रताप नगर की गली नंबर 4 में चैम्बर भी ऊपर तक भरे हुए हैं। वहां से निकलने वालों को बदबू आती है कि लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। नगर निगम से लोगों का बस यही कहना है कि हमारी गली में मिट्टी डल के खरंजा बना दिया जाए। आपका? मेरा नाम है सर बानो। बानो, अच्छा आपकी गली नंबर कौन सी, गली कौन सी है? गली नंबर 4। कौन सी कॉलोनी है? प्रताप नगर। प्रताप नगर कॉलोनी, हाँ। अच्छा समस्या क्या है? ये समस्या ये है जी साहब, हमारे सारे जो समर वो बनना है, ये क्या चैम्बर समर आते हैं, ये चैम्बर सारे भरे पड़े हैं। अच्छा। इसमें बुरी तरह बदबू आती है, ऊपर निकल के सारी लेटरिन आ रही है, देखिए। अच्छा। और मट्टी वट्टी यहाँ कुछ भी नहीं है, ना गली की कोई सुविधा है, घरों में पानी भर जाता है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। इधर आ जा, नदी और खरंजा बन चुका है आपका? जी नहीं बना, बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल खरंजा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप लोग इसके लिए नगर निगम गए कभी? गए थे सर। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं बोले, बन जाएगी। बन जाएगी, कितना समय हो गया? कम से कम 2 साल हो गई होंगी हमें गए। अच्छा, पार्षद के पास गए? जी हाँ। क्या नाम है पार्षद का? पार्षद का नाम क्या है? नेहा वर्मा। नेहा वर्मा जी। तो वो आपकी सुनवाई नहीं की आपने? नहीं कोई? वो तो इनकी तो नौकरी लग गई है सर। अच्छा, वो नौकरी कर रहे हैं, समझ में। हाँ। अच्छा, पार्षद ही नहीं कर रहे? नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप लोग नगर निगम से क्या चाहते हो? हम जी चाहते हैं बस हमारी जो घर के यहाँ के खरंजा बन जाए, जो हमारी गलियों के जो बनना है टैंकर जो सही बन जाए। हाँ, और क्या टैंक की तो बोले। गली कच्ची है आपकी पूरी? बिल्कुल कच्ची है। मैं सर ठीक है। आपका? मेरा नाम है सर बानो। बानो, अच्छा आपकी गली नंबर कौन सी, गली कौन सी है? गली नंबर 4। कौन सी कॉलोनी है? प्रताप नगर। प्रताप नगर कॉलोनी। हाँ। अच्छा समस्या क्या है? ये समस्या ये है जी साहब, हमारे सारे जो समर वो बनना है, ये क्या चैम्बर समर आते हैं, ये चैम्बर सारे भरे पड़े हैं। अच्छा। इसमें बुरी तरह बदबू आती है, ऊपर निकल के सारी लेटरिन आ रही है, देखिए। अच्छा अच्छा। और मट्टी वट्टी यहाँ कुछ भी नहीं है, ना गली की कोई सुविधा है, घरों में पानी भर जाता है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। इधर आ जा, नदी। और खरंजा बन चुका है आपका? जी नहीं बना, बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल खरंजा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप लोग इसके लिए नगर निगम गए कभी? गए थे सर। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं बोले, बन जाएगी। बन जाएगी, कितना समय हो गया? कम से कम 2 साल हो गई होंगी हमें गए। अच्छा, पार्षद के पास गए? जी हाँ। क्या नाम है पार्षद का? पार्षद का नाम क्या है? नेहा वर्मा। नेहा वर्मा जी। तो वो आपकी सुनवाई नहीं की आपने? नहीं कोई? वो तो इनकी तो नौकरी लग गई है सर। अच्छा, वो नौकरी कर रहे हैं, समझ में। हाँ। अच्छा, पार्षद ही नहीं कर रहे? नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप लोग नगर निगम से क्या चाहते हो? हम जी चाहते हैं बस हमारी जो घर के यहाँ के खरंजा बन जाए, जो हमारी गलियों के जो बनना है टैंकर जो सही बन जाए। हाँ, और क्या टैंक की तो बोले। गली कच्ची है आपकी पूरी? बिल्कुल कच्ची है। मैं सर ठीक।